दोस्तों टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार, एक बार फिर से हम आज की फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ हैं। तो अगर मैं बात करूं पहले मार्केट की, तो मार्केट आज हमारा पॉजिटिव है। निफ्टी सेंसेक्स दोनों ऊपर हैं, सेंसेक्स 980 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी 231 पॉइंट ऊपर है। आप कह सकते हैं इसका रीज़न यूएस को मार्केट रहा। यूएस मार्केट कल रात को भी लगभग 495 पॉइंट ऊपर होके बंद हुआ। अब इसका जो रीज़न बताया जा रहा है, जो यूएस इकोनॉमी में जब कल सेनेट लोगों ने 2 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी पैकेज फाइनेंशियल पैकेज अप्रूव किया है, कहा जा रहा है उसका इम्पैक्ट है। लेकिन देखते हैं कि कब तक ये इसका इम्पैक्ट दिखता है। इस बीच में एक अच्छी चीज़ क्या है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि अभी तक कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसफ़र के कोई भी लक्षण नहीं देखे गए। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा खतरा था हमारे देश को इसको कोरोना वायरस को लेके है कि इसका कहीं कम्युनिटी ट्रांसफ़र का मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 100 इस तरह से रैपिड ग्रोथ ना हो, उसके लिए 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है। तो अब बात करते हैं और मार्केट में क्या क्या है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने PSU के साथ मिलकर वेंटिलेटर के प्रोडक्शन को स्केल अप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आज की डेट में हमारे देश को इसकी बहुत अत्यंत आवश्यकता है। तो उन लोगों ने गवर्नमेंट PSU के साथ ये काम करके इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसी बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15,000 करोड़ के किसानों के लिए एक फंड रिलीज किया है, जिसका नाम है किसान स्कीम। उसके बारे में और नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएंगे, वो उनके बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है, जैसे दूध, सब्जी और फल, उसकी डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम ना हो। गवर्नमेंट मैकेनिज़्म मशीनरी को भी कहा जा रहा है कि आप भी इस डिलीवरी में मदद करें। आज की मैं बात करूँ तो आज सुबह मैं बाहर गया था दूध और सब्जी फल के लिए, मुझे किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। बाहर जो भी आउटलेट थे वो खुले हुए थे, ठीक है वहाँ थोड़ी लाइन लगी हुई थी, लेकिन किसी भी तरह का पैनिक नहीं था। लॉजिस्टिक कंपनी की बात करें तो लॉजिस्टिक कंपनी ने प्रोडक्ट अपना जो ऑपरेशन था उसको स्टॉप कर दिया है। उसकी वजह से उनके जो प्राइस थे डायमंड से डस्ट की तरफ जा चुके हैं, ये हालात हैं। लेकिन ये एक आप कह सकते हैं टाइम फ्रेम की बात है, जब तक कि कोरोना वायरस से हम बाहर नहीं जाते लॉजिस्टिक कंपनी के लिए प्रॉब्लम तो रहेगी ही रहेगी। NHAI ने भी आज एक डिक्लेरेशन कल किया है कि वो किसी भी टोल पर भी किसी तरह का कोई कलेक्शन नहीं लेंगे। अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी 21 डेज का लॉकडाउन है और जो गाड़ी आ जा रही है वो कहीं ना कहीं नेसेसिटी है, तभी वो मूव हो रहा है, अदरवाइज मूवमेंट नहीं है। तो एक अच्छी डिसीजन आप कह सकते हैं। अब बात करते, बहुत लोगों का मुझे मैसेज आया और उन्होंने कहा कि क्या मुझे इस पैनिक मार्केट में मुझे म्यूचुअल फंड से बाहर आना चाहिए। देखिए, एकदम बाहर ना आए, ये एक टेम्पोररी लॉस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आपका कैपेक्स जो भी होगा उसमें 25 से 30% हो सकता है नीचे हो, अगर 1 करोड़ का आपका कैपेक्स म्यूचुअल फंड है तो हो सकता है 70 लाख, लेकिन ये लॉस नॉमिनल है, ये लॉस अभी केवल दिख रहा है, एक्चुअली हुआ नहीं है। अगर आपने अपने म्यूचुअल फंड को आज बेच दिया तो वो लॉस टेक्निकली आपके पास अप्लीकेबल, यानी कि वो 30 लाख का लॉस है। तो आप अभी होल्ड करें, मार्केट नीचे जरूर है लेकिन ये बाउंस बैक करेगा और आपके लॉस को भी रिकवर करेगा और अच्छी प्रॉफिट भी दे। आपको बस अपना पेशेंस बना के रखना है, उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बीच US गवर्नमेंट ने सऊदीया पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है कि वाई जो प्राइस को लेके जो उनकी लड़ाई, तेल की लड़ाई चल रही है, उसको बंद किया जाए, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो US गवर्नमेंट चाह रही है कि किसी भी तरह से सऊदीया इस मामले में सेटल हो जाए और उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने की बात की जा रही है। इसी बीच सेबी ने भी कहा है कि जो कम्युनिटी मार्केट है, कम्युनिटी मार्केट की जो टाइमिंग है, हो सकता है उसको 5 बजे या 4 बजे तक के लिए कम कर दिया गया है, यानी कि ट्रेडिंग जो आवर है उसको कम कर दिया जाए। ये ज़रूरी भी है क्योंकि मार्केट अभी 2 दिनों से तो चलिए ग्रीन में चल रहा है, अदरवाइज ये मार्केट बहुत ही ख़राब था, बहुत लगभग सेंसेक्स 30 से 35% टूटा हुआ था। तो ये एक अच्छी डिसीजन हो सकती है टेक्निकल कुछ टाइमिंग के लिए, जब तक कि ये मामला सेटल नहीं होता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। शाम में हम फिर से अपने फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ होंगे, सारे इन्फॉर्मेशन के साथ होंगे और भी तरह के हम वीडियो कोशिश कर रहे हैं अपलोड करने के लिए, आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी स्पेसिफिक हो जो हम इसमें एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में आके बताएं, हम उस क्वेश्चन के भी आंसर देंगे। या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो हमसे छूट रहा है जो आप चाहते हैं, आप वो भी बताएं, हम उसको कंसीडर करेंगे और उसको अपने साथ बुलेटिन में डालेंगे और सुबह और शाम की इन्फॉर्मेशन में हम आप तक पहुँचाने के लिए कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।